बीएमसी में सत्ता को लेकर फंसा पेट, सरकार बनाने के लिए शिवसेना और बीजेपी में जारी मीटिंग का दौर। उद्धव बोले शिवसेना का होगा मेयर, फडणवीस पर तंज, मेयर क्या सीएम भी हमारा होगा। बीएमसी नतीजों के लिए तेज भी गठबंधन की सुबुगाहट, मनोहर जोशी का बयान, उद्धव ठाकरे करेंगे आखिरी फैसला। मुंबई में एमएनएस के पार्षद संजय तोरडे पर जानलेवा हमला, बीजेपी नेता पर लगा आरोप, 5 समर्थक घायल। महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन से गदगद बीजेपी, 25 फरवरी को देश भर में मनाएगी विजय उत्सव। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले, 10 में से 8 में पार्टी को बहुमत। बीएमसी में भी बीजेपी को जोरदार बढ़त, 82 सीटों के साथ नंबर 2 पर रही पार्टी। बीएमसी में जादुई आंकड़े से चूकी शिवसेना, 84 सीटों के साथ नंबर 1 पर रहा उद्धव का कुनबा। नतीजों के बाद जश्न में डूबे शिवसेना के कार्यकर्ता, पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे ने दी बधाई। नतीजों को उद्धव ने बताया बेहतर, कहा मुसलमानों ने भी पार्टी के लिए डाले वोट। बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने दिया पद से इस्तीफा, अंदरूनी कलह को ठहराया हार का जिम्मेदार। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामने बीजेपी पर लगाया आरोप, मुंबई के 12 लाख मतदाताओं ने के नाम बीजेपी ने गायब तो नहीं किए। बीएमसी चुनाव में महिलाओं ने लहराया परचम, 50 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। बीएमसी नतीजों के बाद पूरे परिवार के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे उद्धव ठाकरे, कहा सभी मुंबईकरों की तरफ से भगवान को कहने आया हूं धन्यवाद। उद्धव ठाकरे ने पूरे परिवार के साथ की पूजा अर्चना, पार्टी नेता भी रहे मौजूद।